तो आज की इस वीडियो में विंडोज इज नॉट जेन्युइन, विंडोज एक्टिवेट नाउ, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाला हूं सिर्फ एक चुटकी में। दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में राइट साइड कॉर्नर पे विंडोज इज नॉट जेन्युइन और विंडोज एक्टिवेट नाउ ऐसे एक लिखा आ रहा है, और जब भी आप डेस्कटॉप पे कोई वॉलपेपर सेट करते तो कुछ टाइम के बाद ब्लैक हो जाते इसी तरह से। अगर आप ऐसे एक प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए। आज की इस वीडियो में आपको एक हैकिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी और आपकी टेक्निकल वीडियो देखो यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं कंप्यूटर मोबाइल इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी का सम्मान बहुत सारे टिप्स एंड ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आता हूँ, और उसके साथ साथ कंप्यूटर एंड मोबाइल का बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते रहता हूँ। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करने के साथ साथ आप मेरे वीडियो के साथ बिल्कुल अपडेट हो जाओगे। तो चलिए इस वीडियो का हम स्टार्ट करते। तो यह है मेरा कंप्यूटर का डेस्कटॉप, राइट साइड कॉर्नर पर देखिए दिस कॉपी ऑफ विंडोज इज नॉट जेन्युइन ऐसे के लिखा आ रहा है, और मैं जब भी डेस्कटॉप पर कोई भी वॉलपेपर सेट करते हूँ वो कुछ टाइम के बाद बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए आपको पहले स्टार्ट पर जाना होगा और सर्च करना होगा CMD, आप लिख दीजिए CMD और सबसे ऊपर CMD पर पेस्ट कीजिए और रन एस एडमिनिस्टर यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए, और आपके सामने एडमिनिस्टर के तरफ से एक विंडो आएगा। तो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा, कैप लॉक ऑन कीजिए पहले, SLMGR पेस्ट देकर एक डॉट देकर RERAM इस कमांड को आपको यूज करना होगा और एंटर बटन पर प्रेस कर दीजिए। तो आपके सामने ऐसे एक विंडो आएगा, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। तो यहां पर से आपको एग्जिट कमांड को यूज करके इस विंडो से बाहर जाना होगा, और फिर स्टार्ट में जाकर आपके कंप्यूटर को रिस्टार्ट कीजिए। और रिस्टार्ट करने के बाद डेस्कटॉप के राइट साइड कॉर्नर पर देखिए विंडोज इज नॉट जेन्युइन बिल्कुल हट चुका है। तो मेरे डेस्कटॉप पर एक वॉलपेपर सेट करके आपको दिखा देता हूँ वो वॉलपेपर रहता कि ब्लैक हो जाते। मैं सिस्टम विंडोज वॉलपेपर को चूज कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए विंडोज इज नॉट जेन्युइन वो बिल्कुल हट चुका है और आपका विंडोज एक्टिवेट हो गया है, और आपके कंप्यूटर का डेस्कटॉप में आप कोई भी वॉलपेपर सेट कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो चुका है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स पर थैंक्स लिखकर मुझे कमेंट कीजिए, और मेरे टेक्निकल वीडियो देखकर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आप ऐसे ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रोजाना पाना चाहते। तो आखिरकार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो ही गया। दोस्तों अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो में कोई भी सवाल या फिर सुलझा हो तो आप कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताएं, मैं आपके कमेंट का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना देखना चाहते तो मेरे टेक्निकल वीडियो देखो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब का बटन इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही जरूरी है। तो आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहो।